देखो हमारा बिहार को लोगों ने बदनाम ज़्यादा कर दिया, बिहार को भी और बहुत कुछ मिलना बाकी है। बिहार के सिवान, गोपालगंज और छपरा में जहरीली शराब पीने से तकरीबन 50 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना पर मनोज तिवारी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है। मनोज तिवारी ने कहा कि शराबबंदी को समीक्षा करने की फिर से जरूरत है, कहां चूक रह गई इसे जानने की जरूरत है। इसके बाद इसमें सुधार किए जाने के लिए और भी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सरकार के लोगों को इस बारे में चर्चाएं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार को भी और बहुत कुछ मिलना बाकी है। मेरा मानना है ये जो डिसीजन हुआ है फिल्म संबंधी, ये बिहार के टूरिज्म को और बढ़ाएगा। सिनेमा उद्योग है, उद्योग जगत है, और बिहार में इसकी बहुत संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया नए नए जगह को ढूंढ रही है फिल्मों के शूट के लिए, नए नए जगह के लिए, वो सब कुछ बिहार के पास है। तो आज हम लोगों की मीटिंग है, हम भी उसी में आए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार एक लंबे समय पे इस पे कार्य कर रही थी, अब इसमें एक बड़ी योजना से आगे बढ़ेंगे। मीडिया के लोगों से भी हम प्रार्थना करेंगे। देखो हमारा बिहार को लोगों ने बदनाम ज़्यादा कर दिया। हमारी जितनी क्षमताएं है, हमनी के जोन फिलोसफी बाटे, दर्शन बाटे, पूरा दुनिया के फॉलो करता। अभी हम न्यू जर्सी गए रहनी है, वहाँ इंडिया डे परेड रहे, हम गए रहनी और पंकज त्रिपाठी रहनी, सोनाक्षी रहली, तो हम लोग वहाँ 2,00,000 लोगों के साथ इंडिया डे परेड किए और ओकरा में जय हिंद के साथ साथ जय बिहार नारा लगत रहे। तो हम लोगों को, हम बिहार के लोगों को अपनी क्षमता को और समझना है। सिनेमा उसमें बहुत बड़ी कड़ी है, हम उसको आगे अब हम करवाएंगे ना। अब जिंदगी भर हमने करबे कल जाइए, अब कोई दूसर कोई करे। हाँ, अभी हम गाना वाना गाते हैं, लेकिन सिनेमा अपने छोटे भाइयों को दे दिए। बहुत जी, मैं अभी चढ़ रहा था फ्लाइट में दिल्ली से, तो ये समाचार देखा, ये बहुत चिंता की बात है। और अभी हम मीटिंग में भी हम लोग सरकार के लोगों को बताएंगे। मेरा मानना है कि ये समय आ गया है जब हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि इसके रीजंस क्या हैं। अगर कोई नए स्टेप उठाने हो तो सरकार को उठाना चाहिए। दो राज्यों में चुनाव हुए हैं और दो राज्यों में चुनाव होना है, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होना है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, मैं हरियाणा का स्टार प्रचारक भी था, तो खूब बढ़िया से जीते हैं हम लोग, ऐतिहासिक विजय हुई है। और जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ी सफलता है। मैं आप सबको बताऊँ कि जम्मू कश्मीर में ठीक है, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर बनी है कांग्रेस के गठबंधन से, लेकिन सिंगल सबसे बड़ी वोट शेयर लेने वाली पार्टी बीजेपी बनी है। तो जम्मू कश्मीर की एक विजय, हम बिहार के लोगों को भी और देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि जो लोग कहते थे कि 370 लगाने के बाद खून की नदियां बहेंगी, अब वहाँ लोकतंत्र की गंगा बह रही है।